अस्सलामुअलैकुम। तो वीवर, आज जो रेसिपी स्टार्ट करने जा रही है वो है चिकन और फलियों का सालन। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ऑयल ऐड करें, जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा वो ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। जब ज़ीरा थोड़ा सा ऑयल में भून जाए तो इसमें 2 मीडियम प्याज वो ऐड कर दें और प्याज को हल्का सा फ्राई करें। जब प्याज हल्का सा अपना कलर चेंज करे तो इसमें 400 ग्राम्स चिकन वो ऐड कर दें। जब गोश्त अपना कलर चेंज करे तो इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो ऐड करें और इसको लहसुन अदरक के साथ भून लें। जब लहसुन अदरक भून जाए तो इसमें 2 मीडियम टमाटर वो ऐड करें और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसमें मसाले कुछ ऐड कर दें। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून फूटी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब टमाटर इसमें घुल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट वो ऐड करें और अब इसको योगर्ट के साथ भून लें। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें 250 ग्राम्स फलियां वो ऐड करें और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनें। पाँच मिनट भूनने के बाद इसमें 3 अदद हरी मिर्चें वो ऐड कर दें और इसको लो फ्लेम पर कुक करें, दम वाले फ्लेम पर। तकरीबन 20 मिनट दम के बाद अब ये रेडी है। तो इस तरह व्यूअर्स, चिकन और फलिया का सालन रेडी है। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।